14 अप्रैल को हरियाणा कांग्रेस सोनीपत में बड़ी रैली करने जा रही और जय भारत सत्याग्रह के तहत संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। रैली की तैयारियों को लेकर सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार की जिम्मेदारी लगाई गई है, जिन्होंने रैली स्थान का निरीक्षण किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार ने दावा किया कि ये रैली रिकॉर्ड तो होगी और बड़ी तादाद में दूसरी पार्टियों से छोड़कर कांग्रेस नेता ज्वाइन करेंगे। कहते हैं कि सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है यहाँ पर मौजूद है। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती है। उस दिन कांग्रेस पार्टी द्वारा जय सत्याग्रह संविधान बचाओ रैली का ये नाम रखा गया है और लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। पूरा उत्साह है लोगों में। अब तक की जितनी रैलियां हरियाणा में हुई हैं, उन सभी रैलियों का रिकॉर्ड सोनीपत की रैली में टूटने जा रहा है। जिस तरह से आप बात कर रहे हो रिकॉर्ड की, तो 2024 चुनाव भी है, कितनी शक्ति ताकत से कांग्रेस चुनाव की तैयारियों में जुट गई है? देखिए, हमारे हरियाणा प्रदेश तो पार्टी तो लगातार लोगों के बीच में है और आज देखने को यह मिल रहा है कि सभी पार्टियों के लोग जो के जो आज सत्ता में जो पार्टी है जेजेपी और बीजेपी, इन इस पार्टी के बहुत ही सीनियर लोग, कार्यकर्ता, सब लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, कांग्रेस कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत लोग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इन्होंने सब आने वाला जो समय इन्होंने देखा कि जो पूरी हरियाणा प्रदेश की जो जनता का एक रुझान है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो 10 साल का राज है उसको याद कर रहे हैं लोग। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी रैली जा रही है। जिस तरह से रैली में क्या बड़े स्तर के नेता भी आएंगे हरियाणा के अतिरिक्त, जैसे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अतिरिक्त और बड़े नेता? देखिए, पूर्व सीएम नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो आ ही रहे हैं और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी वो उनकी अध्यक्षता में होगी और हमारे जो हरियाणा के प्रभारी हैं श्री शक्ति सिंह गोहिल जी वो विशिष्ट अतिथि होंगे और वो भी शिरकत करेंगे और पूरे हरियाणा के जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सब भी पहुंचेंगे और एक्स विधायक, एक्स एमपी और सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण और कांग्रेस जन यहाँ पर शिरकत करेंगे। अच्छा, ये रैली जो है वो कितने लोकसभा क्षेत्रों की होने वाली है? सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की रैली है और इसमें 9 विधानसभाएं आती हैं।